स्टूडेंट्स, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम लोग बना रहे हैं सिमरन के लिए। तो पहले लिखेंगे टोटल यूनिट यूज्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीस बाय पर यूनिट चार्ज इन रुपीस, ठीक है। इसको हम लोगों ने बाय में लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसका रफ बनाया है, आपको इसको देखना है कि मैंने 4725 इंटू 100 किया हुआ है, ठीक है, 3.50 इंटू 10। तो यहां से जब आप पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो यहां पर पॉइंट के जगह पे 1 और उसके बाद एक डिजिट इसलिए 0 यहां पे ड्रॉप करेंगे। यहां से पॉइंट को आप हटाएंगे तो 1 और दो ठो डिजिट में दो ठो 0 को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस 0 से इस 10 से पहले 100 को काटता हूं, तो 10 वन जा 10 और 10 10 जा 100, ठीक है। फिर क्या करता हूं मैं, इसे 5 से डिडक्ट करता हूं। तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पे मेरे को मिलता है 945 और यहां पे मिलता है मेरे को 70। इस 10 से 10 बार में इसको अगर मैं डिडक्ट करता हूं तो 70। फिर भी मैं अगर एक बार हो तो आपको यहां बता देता हूं, आप देखिए 472.5 बाय 3.50। आप यहां से पॉइंट हटाइए तो 100, यहां से आप पॉइंट को हटा दीजिए तो मिलेगा आपको 10, ठीक है। आप इस जीरो को इस जीरो से इस जीरो को इस जीरो से कट कर दीजिए, ठीक है। अब 35 को आप यहां से 5 से पहले डिडक्ट करिए, तो 5 7 जा 35, यहां 5 को काट लीजिए, 5 9 जा 45, ठीक है। 2 कैरी हो गया 22, 5 4 जा 20, यहां पे 25 आ गया, 5 5 जा 25। अब आप यहां पर लिख सकते हैं इसको 945 बाय 7, 7 से डिवाइड करिए इसको, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। 2 यहां पे आ गया 24, 7 3 जा 21, ठीक है। 3 आ गया, 7 5 जा 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 135, ठीक है, 135 रुपीस इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर लिखना है टोटल आंसर में 135 रुपीस आंसर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहीम वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रहीम पे रुपीज 2075 फॉर हाउस रेंट पर मंथ, तो हाउ मच विल बी पे इन अ 2.5 ईयर। तो एक साल बराबर कितना होता है 24 12 महीना, ठीक है। दो साल बराबर कितना हो जाएगा 24 महीना, तो 24 और हाफ मंथ मतलब हाफ ईयर ना, हाफ ईयर मतलब हो जाएगा 1/2 ईयर, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है ईयर, तो हाफ मतलब हो गया 24 और 6 30, 24 और 6 मिलके कितना हो गया 30, ठीक है। तो 30 मंथ्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग रेंट एक महीने का निकाल लेते हैं इतना, तो 30 महीने का जब हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 30 से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आंसर आएगा, 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी 0 हो जाएंगे, 3 से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 से 0 को मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं तो 2 यहाँ पे और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 62,250 रुपीस आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपको बनाना है और उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, आप उसको नोट डाउन करिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, द
अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन द रूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रूम. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन रूम बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल देन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल बी एच को हम लोगों ने यूज किया है. तो 5.5, 4.6 और 3.2 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला 80.96 एम के पावर में 3 है. ठीक है, एम का क्यूब, या फिर आप क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं वहां पर. ठीक है, क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं. अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन बचा हुआ था, मैं सोचा आप खुद से सॉल्व करें, पर उसे भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आपको इस पे इजी पड़े और ये चैप्टर आप आसानी से कंप्लीट कर सके. ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करिए. अब ये फर्स्ट में 5th क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया, इसे मैं लास्ट में सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये अलग पैटर्न से है, जो हम लोग पुराना करते आ रहे हैं वैसा ही है, कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं था, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए. ठीक है, ऑयल फॉर रुपीज 23.50, सोप फॉर रुपीज 08.15, क्योंकि यहाँ 8 रुपीज था तो इसके आगे मैंने इसको डेसिमल में, मतलब इसको टेंस में लाने के लिए 0 को लिखा है. ठीक है, पाउडर फॉर रुपीज 12.39. ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 9 और 5 14, 1 कैरी, 5 एंड यहाँ पर 1 कैरी है तो 5 और 1 6, और यहाँ पर 1 7 और 3 10, 0, 1 कैरी इधर आ गया, 3 एंड 1 4, 4 और 8 12 और 2 14. ठीक है, 1 कैरी यहाँ पर, 3 एंड 1 2 और 1 3 यहाँ पर हो गया, और 1 यहाँ पर जोड़े तो 4, ये रुपीस आंसर. मतलब सुनीता ने टोटल कितने परचेस, कितना रुपीस स्पेंड किया था, तो उसका बिल कितना होगा, 44.04 रुपीस. ठीक है, तो ये आज कंप्लीट होता हुआ है चैप्टर. अब आप 11.3 को कंप्लीट करके अपलोड करिए ग्रुप्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो रहा है. अब हम लोग 12 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो 12 चैप्टर से पहले आप लोग 11 चैप्टर्स के कॉपीज अपलोड करिए, ताकि ग्रुप में पता चल सके कि कितने बच्चे एक्टिव है, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक्टिव बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं. मुझे चाहिए बहुत सारे बच्चे जो बहुत एक्टिव हो, और आप लोग, मैं जानता हूँ आप बहुत एक्टिव बच्चे हैं, तो आप जरूर फटाफट इसको कंप्लीट करने के बाद फटाफट अपना इमेजेस व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे. ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस है, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल मैं देखना चाहता हूँ, आप इसे कंप्लीट करके ग्रुप में अपलोड करिए. ओके स्टूडेंट्स, और जब तक हम लोग ऐसा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल नहीं ओपन हो रहा है जब तक, तब तक ये स्टे होम स्टे सेफ, और बाकी तो आप समझदार हैं. गुड स्टूडेंट्स, गुड बाय.